बात है। अरे मेरे बहुजन समाज के सम्मानित साथियों, ये गीत मैं अपने युवा हृदय सम्राट बड़े भाई चंद्रशेखर रावण के सम्मान में इस गीत को दे रहा हूं और आदर करता हूं, सम्मान करता हूं, धन्यवाद करता हूं और आशीर्वाद देता हूं। चलते रहो मेरे शेर, आने वाली समय रावण की है, क्योंकि अब भारत की बागडोर रावण के सिवा कोई संभाल नहीं सकता। पूरे चैलेंज के साथ इस बात को कह रहा हूं, क्योंकि चंद्रशेखर रावण को ये आभास है कि हमें लड़ाई किससे लड़ना है, हमें हमारे अधिकार से वंचित कौन किया है, ये पहचान रावण के अंदर हो गई। उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, झारखंड हो, चाहे बिहार हो, बड़ी से बड़ी घटनाओं में जहां बड़े बड़े नेता एंट्री करने में डर रहे हैं, वहां हमारे भाई नंगे पांव लोगों के सम्मान और सुरक्षा में पहुंच रहे हैं। इसलिए ये गीत मेरी संकेत कर रही है, क्या है, पिछड़े दलितन के पाना पिछड़े दलितन के बनावल बिगड़ल काम आईले रावण रूप धई के जैसे कांति राम आईले हो रावण मान्यवर कांसी राम का दूसरा रूप हमारे भैया चंद्रशेखर रावण का आभास हो रहा कि हमारे साहब मान्यवर कांसी राम साहब पुनः धरती पर आ चुके हैं, क्योंकि मान्यवर कांसी राम साहब की विचारधारा से हमारे भैया चंद्रशेखर रावण एकदम समझौता करना बंद कर दिए हैं कि ये लड़ाई मान्यवर कांसी राम साहब की विचारधारा पर हो, क्योंकि कांसी राम साहब का एक तर्क था, संक्षेप में बता रहा हूं समझ लीजिएगा। साहब कहते थे 100 किलो दूध में 2 रुपए का नींबू अगर गाड़ देंगे तो पूरे दूध को चौपट कर देगा। तो इस देश में कुछ ऐसी कौम है, पिछड़े समाज का कितना बड़ा संगठन हो अगर उसमें हेल गया तो दीमक की तरह चाट करके पूरे संगठन को खत्म कर देगा। इसलिए मान्यवर कांसी राम साहब कहा करते थे कि 3% वालों से सदैव दूरी बना करके रहना, और भीम आर्मी इसी सिद्धांत पर आज भारत पर खड़ी हुई है कि हम समझौता से सरकार नहीं चलाएंगे, क्योंकि हमारा अधिकार है, हमारा हक। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं चंद्रशेखर भैया को, क्या है, क्या बताते हैं मंचों से। शिक्षा का देवी उषा पितरी के पता में संदेश घरी घर पहुंचावे बुद्धि संदेश घरी घर पहुंचावे माता सावित्री बाई फूले तथा गदबुद्ध की विचारों को जन जन तक पहुंचाते हुए भाई चंद्रशेखर रावण जी कहते हैं कि मान्यवर कांसी राम साहब नहीं हैं, बाबा साहब अंबेडकर नहीं हैं, लेकिन उनके विचारधारा को, उनके विचार को मरने नहीं दिया जाएगा।
क्या कहते हैं, बुद्धि संदेश घर घर पहुंचावे, रूप में निजैसे कांसी राम आई लय हो रावण, रूप में निजैसे कांसी राम आई लय हो रावण। मैं उस माँ को नमन करता हूँ जिस माँ ने इतनी शानदार बेटा पैदा किया। मैं उस धरती को नमन करता हूँ जिस धरती पर चंद्रशेखर रावण जी का जन्म हुआ। क्यों, आर पार के जंग का इन्होंने ऐलान किया है, सत्ता और शासन के लिए विचारधारा से समझौता नहीं होगा। कहते हैं चंद्रशेखर भैया, छोड़ा पाखंड घूमी घूमी समझावे, छोड़ा पाखंड तेरी यार रामा स्वामी, तेरी यार रामा स्वामी ललई के बतावे, तेरी यार चाहे मामला हाथ रस का रहा हो, चाहे आजमगढ़ के प्रधान की हत्या का मामला रहा हो, चाहे देश के किसी कोने का मामला रहा हो, मार दिया गया राजस्थान में दलित बेटा मोच रखने पर, मार दिया गया राजस्थान में एक छोटा बच्चा पानी पीने पर, वहां वहां जाकर के हमारे रावण भाई लोगों की आंख को पूछे और लड़ करके FIR दर्ज करवाते हैं। घोड़े से उतार करके दलित का बेटा पीटा जाता है सहारनपुर में, रावण पहुंच करके उनको उनकी औकात में खड़ा करते हैं। तो इस लीडर की पहचान करो मित्रों, लीडरशिप सबके अंदर नहीं होती है। रावण का ऐलान है कि राजनीति को रोजगार नहीं बनना दिया जाएगा, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर का संविधान है, जिस देश में राजनीति रोजगार हो गई वो देश कभी विकास नहीं करता। इसलिए लाइन हमारी बता रही है, छोड़ा पाखंड घूमी घूमी समझावे, तेरी यार रामा स्वामी ललई के बतावे, संत रविदास कबीर कहले नाम आई लय हो रावण, रूप धई के फिर से कांति राम आई लय हो रावण, रूप धई के फिर से कांति जय हो। कहते हैं अधिकार को लेना है इतिहास लिखना है तो इतिहास पढ़ो। क्या कहते हैं, क्या बात है, ज्योति बाई फूले जी का दिहल संदेश हो, ज्योति बाई फूले जी का दिहल संदेश
शिक्षा से मिटी है बहुजन, शिक्षा से मिटी है बहुजन, तुहरो कलेश हो। रूप धर के फिर से कांसी राम आई न हो रावण, रूप धर के फिर से कांसी राम आई न हो रावण, भीमज के सपना के डरना न करना लड़ाई यार पार हो, लड़ाई डरना न करना लड़ाई, बोले आजाद बाबा, बोले आजाद रहा ना गुलाम आई ले हो रावण, रूप धर के फिर से कांति राम आई नय हो रावण, मानसी गुलाम कहता वबले साहबा, मनु के गुलाम बनके, मनु के गुलाम बनके कबले तू सहबा, मनु के कम पाखंड का करने का मामा आई ले हो रावण, रूप में निज से कांति राम आई ले हो रावण, राम पलट का है विचार करा भाई, रावण से ले बात सभे, रावण से ले बात सभे हथवे मिलाई, रावण से ले बात हथवे मिलाई, कहते हमारे मास्टर रामपलट जात और धर्मों की दीवार को गिरा करके एक हो जाओ अगर भारत को बचाना है, और चंद्रशेखर रावण के नेतृत्व में आंदोलन करो देश हित में और संविधान के लिए। कह राम पालक अब विचार करा भाई, कह राम पालक विचार करा भाई, चंद्रशेखर भैया से, चंद्रशेखर भैया से हाथ ला मिलाई, चंद्रशेखर राजकुमार बहुजन के काम आई ले हो, राजकुमार बहुजन के काम आई ले हो रावण, रूप धर के फिर से कांति राम आई ले हो रावण,
अवध के फिर हो सादर जय भीम नमो बुद्धाय।